सुंदरपुर नाम के एक जंगल में एक सुंदर हिरण का जोड़ा रहता था। हिरण का नाम रोहन और हरिणी का नाम रोहिणी रहता है। रोहिणी दिखने में बहुत सुंदर रहती है, उसके सींग भी चमकते रहते हैं, जिस वजह से उसके रूप में बहुत तेज दिखता है। दोनों जंगल में काफ़ी वक्त से रहते थे। कुछ ही दिनों में रोहिणी माँ बनने वाली होती है। ये बात रोहन का एक भालू दोस्त जानकर उसे बताता है। अरे रोहन, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो मुझे? अरे तुम जल्दी पिता बनने वाले हो। रोहन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और रोहिणी की बड़ी देखभाल करता है। भालू के साथ साथ जंगल के बाकी जानवर भी उसकी मदद करते हैं। लेकिन एक दिन एक शिकारी जंगल में आता है और वो रोहिणी के तेज सुंदरता को देखकर कहता है, अरे बाप रे, ये हिरणी तो बड़ी सुंदर है दिखने में। अगर मैं इसे जाकर शहर में बेचूं तो मुझे ढेर सारे रुपए मिलेंगे। ऐसा कहकर वो शिकारी रोहिणी को पकड़ने के लिए एक जाल लेकर आता है और मौका देखकर एक तालाब पर जब रोहन और रोहिणी पानी पीते रहते हैं, वो शिकारी रोहिणी के ऊपर जाल डालता है और उसे पकड़ लेता है। रोहन अपनी आंखों के सामने ये होता हुआ देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। इधर रोहिणी उस शिकारी से कहने लगती है, अरे शिकारी भाई, आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा, लेकिन तुझे मैं क्यों छोड़ू? शिकारी भाई, मैं गर्भवती हूँ और कुछ दिनों में ही मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हारे जैसे ही और सुंदर बच्चे होंगे, मैं तो उन्हें भी बेच दूंगा, जिससे मुझे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। शिकारी ऐसा कहकर चला जाता है। बेचारी रोहिणी नाराज होकर बैठ जाती है। इधर रोहन जंगल में जानवरों की मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। आखिर में वो परेशान होकर बैठा रहता है, तभी वहां से एक हाथी गुजरता रहता है। नाराज हिरन को देखकर वो उसे पूछता है, अरे रोहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों नाराज हो, बताओ मुझे। मेरी पत्नी रोहिणी को एक शिकारी पकड़कर ले गया हाथी भाई, और मैं मदद के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन कोई भी उस शिकारी के डर से मेरी मदद नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलकर हाथी रोहन को लेकर उस शिकारी के घर के पास जाता है। हाथी और रोहन दोनों देखते हैं कि वो शिकारी रोहिणी को एक पिंजरे में रखा हुआ है। रोहन को देखकर रोहिणी कहती है, रोहन मुझे यहाँ से निकालो, रोहन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत मेरी रानी, मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे से निकालता हूँ। ऐसा कहकर हाथी और रोहन दोनों छुपकर उस शिकारी के बाहर आने का इंतजार करते रहते हैं। और जैसे ही वो शिकारी बाहर आता है, हाथी जल्दी से अपनी सूंड में उस शिकारी को पकड़कर उठाता है और रोहन कहता है, अरे ये शिकारी, चलो मेरी रोहिणी को जल्दी से उस पिंजरे से निकालो, नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं। इतने बड़े हाथी की सूंड में खुद को जकड़ते हुए देख वो शिकारी डर जाता है और रोहिणी को पिंजरे से मुक्त कर देता है। जैसे ही रोहिणी बाहर निकलती है, हाथी उस शिकारी को दूर उठाकर फेंक देता है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। इस तरह रोहन और रोहिणी दोनों मिलकर जंगल में फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गर्भवती हथनी और जादुई सोने का केले का पेड़। जंगल में गुल्लू नाम का एक बंदर रहता था। गुल्लू के साथ एक बंदर खजूरी रहता था। दोनों बहुत चालाक थे और केले खाने के लिए दोनों बहुत ही शौकीन थे। दोनों शैतानी भी करते थे, लेकिन वो जंगल के दूसरे जानवरों को परेशान नहीं करते थे, इसीलिए जंगल के बाकी जानवरों को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। दोनों से सब बहुत प्यार भी करते थे। कई बार तो गुल्लू और खजूरी अपने केले उन बंदरों और जानवरों को दे दिया करते थे जिनके पेड़ पर केले नहीं होते थे। गुल्लू, खजूरी तू एक बात बता, तुझे कैसा लगता हूँ मैं? कैसा लगता है, ये क्या मतलब हुआ? अरे मेरा मतलब है मैं कैसा दिखता हूँ।
तू एकदम हीरो लगता है भाई। ओहो, तू झूठ बोल रहा है ना। अरे यार गुल्लू, तू सच में हीरो लगता है। तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर कल्लू के साथ क्यों भाग गई? क्योंकि तू 30 बार खाने और तू नालिका की कीड़ा है। कुछ कहा क्या तूने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी भाई गर्भवती हथरी आती है और वो गुल्लू और खजूरी से कहती है, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? क्या हुआ बहन? कोई अपने पेड़ों से सारे फल चुरा ले गया। सुना है कि दूसरे जंगल से कुछ जानवर आए हैं। क्यों? क्या? ऐसा नहीं कर सकता कोई। मुझे अभी कुछ फल चाहिए, नहीं तो मैं और मेरा बच्चा दोनों भूख के मारे मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो बहन, हम है ना, हम तुम्हारे भाई हैं। खजूरी और गुल्लू सारे पेड़ों को देखते हैं, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं दिखता। यार गुल्लू, अब क्या करें? जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हथनी बहन। कुछ नहीं होगा हथनी बहन को। तभी खजूरी को कुछ चमकती हुई सी चीज नजर आती है झाड़ियों के पीछे। गुल्लू वो देख, वो क्या चमक रहा है? चल चल देखते हैं। खजूरी और गुल्लू उसके पास जाते हैं तो एक चमकता हुआ जादुई सोने का केले का पेड़ दिखता है जो केले से लदा हुआ था। अरे गजब यार। अरे देर मत कर, जल्दी केले तोड़, हथनी बहन के लिए लेकर जाना है। हाँ हाँ चल चल। खजूरी और गुल्लू पेड़ में से केले तोड़ते हैं। जैसे ही वो केले तोड़ते हैं वहाँ फिर से नए जादुई केले आ जाते हैं। अरे ये तो जादुई पेड़ लगता है भाई। हाँ यार, लेकिन अभी हमें चलना होगा वरना हथनी बहन। नहीं नहीं जल्दी करो। दोनों भागकर हथनी के लिए केले लेकर आते हैं। शुक्रिया खजूरी और गिल्लू, अगर तुम नहीं होते तो आज न जाने मैं और मेरे बच्चे के साथ क्या होता। पता है बहन, ये केले जादुई केले के पेड़ के हैं। क्या जादुई पेड़? हाँ बहन, खजूरी ठीक कह रहा है, पर अभी तुम आराम करो। तुम अपनी चिंता मत करना, हम है ना, हम तुम्हारे लिए केले लाते रहेंगे, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेंगे। खजूरी और गुल्लू वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ जानवर उदास मन से बैठे हुए दिखते हैं। अरे क्या हुआ तुम सब? ऐसे गुब्बारा जैसा मुंह फुलाए काहे बैठे हो? तुम दोनों तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। जंगल के सारे पेड़ों में से फल गायब हो गए हैं, अब हम खाएंगे क्या? हाँ हाँ हमें पता है, हमारे पास एक जादुई केले का पेड़ है। क्या जादुई पेड़? विश्वास नहीं होता तो चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। गुल्लू और खजूरी सारे जानवरों को उस पेड़ के पास ले जाते हैं। तब सारे जानवर कुछ कुछ केले तोड़ लेते हैं और जैसे ही वो केले तोड़ते हैं पेड़ पर वापस केले लग जाते हैं। उन्हें भी यकीन नहीं होता, सारे जानवर पेट भर कर खाते हैं और गुल्लू और खजूरी का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, भगवान का शुक्रिया करो हमारा नहीं, हमने तो बस गर्भवती हथनी की मदद की थी, शायद इसीलिए भगवान ने हमारी मदद की। सही कहा, किसी की मदद करने पर भगवान आपकी मदद जरूर करता है। अब खजूरी और गुल्लू रोज उस जादुई केले के पेड़ से फल खाया करते थे और बाकी जानवरों को भी दिया करते थे। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।